अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल। गाइस, आज की वीडियो में हम हायर पाकिस्तान इनका मिनी मिटेनी एमटी इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। ये हायर बेसिकली ये डिफरेंट ये कंपनी है, इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स में इसमें रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, एलसीडी, इस तरह के ये प्रोडक्ट से डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है इस तरह के प्रोडक्ट। तो इसमें यह ना इसका मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी इलेक्ट्रिकल का जो पेपर है 2022 का पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर वन है। पार्ट वन में हम इसमें वर्बल प्लस आईक्यू के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जो पार्ट नंबर वन है हमारे सेक्शन वन है वो, इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्बल क्वेश्चन इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट दी सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर ए टू डू ए टू डी बिलो ईच। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, आफ्टर हिम इन माय लाइफ आई डैश सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। तो ऑप्शन ए बी बीन, ऑप्शन नंबर सी में आता है किन, और लास्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि बींग। तो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर बनता है जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, बेसिकली ये करेक्ट मार्क किया गया है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है इस क्वेश्चन में। तो आफ्टर हिम इन माय लाइफ आई कैन सी थिंग नाउ डिफरेंटली डिफरेंटली नाउ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर टू है फ्रेंड्स, अ जर्नलिस्ट हु डैश डिटेन्ड इन अ सिटी फॉर मोर देन ईयर्स, इज बी डिटेंड, कैन बी डिटेंड, माइट बीन डिटेंड, हैज़ बीन डिटेंड। तो इसमें जो फ्रेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस, या ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल राइट मार्क किया गया है, जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन डिटेंड इन अ सिटी फॉर मोर देन ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन के तकरीबन टू मार्क्स हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये 10 मार्क्स का ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन नंबर जो पार्ट वन है हमारा। क्वेश्चन नंबर थ्री है फ्रेंड्स, आई डोंट नो वेयर शी इज़, आई सपोज शी डैश गॉट स्टक इन ट्रैफिक, ऑप्शन हिज बी कैन बी माइट बीन। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी माइट बीन इज अ करेक्ट चॉइस, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सही मार्क किया गया है। आई डोंट नो वेयर शी इज, आई सपोज शी माइट बीन गॉट स्टक इन ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर फोर है फ्रेंड्स, आई कैन नॉट कंसनट्रेट, हेयर इज टू मच डिट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन साउंड कंट्रैक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इधर मार्क किया गया है वो इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे इनकोरेक्ट मार्क किया गया है। इसमें जो राइट आंसर बनता ऑप्शन नंबर ए इज है वो राइट हैंड डिट्रैक्शन। तो डिफरेंट जो आप इसको सर्च भी करें, इस क्वेश्चन को देख भी लें, तो डिफरेंट जो मैंने सर्च किया उसके मुताबिक जो उसका राइट आंसर बनता ऑप्शन नंबर ए इज अ डिट्रैक्शन, आई कैन नॉट कंसनट्रेट, हेयर इज टू मच डिस्ट्रैक्शन, मीन तोड़ना वगैरह। तो इसमें आई कैन नॉट कंसनट्रेट, हेयर इज टू मच डिट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर फाइव को देख लेते हैं फ्रेंड, इट इज एक्सपेक्टेड डैट द असेंबली विल डैश दीज एग्रीमेंट्स। तो फाइव नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट चॉइस है इसमें। इसमें जो ये मार्क किया गया ये इनकोरेक्ट मार्क किया गया है, इट इज एक्सपेक्टेड डैट द असेंबली विल रेक्टिफाई दीज एग्रीमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। तो ये 10 मार्क्स की सेक्शन थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आईक्यू के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, सेक्शन नंबर टू है बेसिकली, इसी ये हमारा पार्ट नंबर वन और सेक्शन नंबर टू है इसका। तो आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है इस सेक्शन में। इस क्वेश्चन नंबर वन है इसमें फ्रेंड, हु अमंग देम इज टॉलेस्ट। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन सा वो पूछा है, हु अमंग देम इज टॉलेस्ट। तो इसका रिलेशन बनेगी अहमद शॉर्टर देन अली, अहमद को ए आई से आप नोट कर लेंगे, शॉर्टर देन ए एल से अली को आप रोटेट कर लें। तो इस तरह के ये इसका जब इसका रिलेशन बनाएंगे आप तमाम का जितने भी यहाँ पर मेन गिवन है, इसके बाद कहता है अली बट द टेलर देन अकबर एंड नहीम इस शॉर्टर देन अकबर। तो आप इसका रिलेशन जब बनाएंगे तो उसमें करेक्ट जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर जो मार्क जो मार्क किया गया वो ट्रू मार्क किया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर बनता है। ये था इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स।
तो क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। आर्टिस्ट को सूचना में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर टू का मेंशन किया है। क्वेश्चन में कहता है फाइव चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में फाइव चिल्ड्रन मतलब बैठे हुए हैं, तो उसमें उसने कंडीशन बताई हैं। जो एस जो चिल्ड्रन एस इज एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू द पी बट नॉट टी, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू द आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द के, हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट में कौन सा वो चिल्ड्रन है जो सीट है वहाँ पर। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है आपके नंबर डी जो है करेक्ट चॉइस बनती है। इसको आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। एस इज सीटिंग नेक्स्ट टू द पी सो द ऑर्डर एस पी आर पी एस इज फॉलोड, के इज सीटिंग नेक्स्ट टू द आर सो द ऑर्डर इज आर के इज फॉलोड, आर इज एक्सट्रीम लेफ्ट टी इज नॉट नेक्स्ट टू द पी सो द अरेंजमेंट विल बी, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेंगे ये क्लियरली पी एंड टी आर सीटिंग एडजेसेंट टू एस, जो पी और टी जो है वो एस के एडजेसेंट में वो सीट हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट, जो ऑप्शन यहाँ पर मार्क वो इनकरेक्ट मार्क किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। अक्टूबर इज टू अगस्त और अगस्त हैज़ टुमारो इज टू, इसमें ग्रेंड इस क्वेश्चन को आप खुद भी सर्च कर लें। इसमें मेरे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है टुडे, इसमें मेरे ख्याल से राइट आंसर बनता है। इसको आप सर्च करके देख लें, इस क्वेश्चन को आप खुद भी सर्च कर लें। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर। विच वन ऑफ फोर चॉइसिस मेक्स द बेस्ट कंपेरिजन ऑफ फिंगर टू द हैंड एंड लीफ, फिंगर इज टू द हैंड, फिंगर जो बेसिकली हैंड के साथ होती है और लीफ इज टू द ट्री, तो यहाँ पर ट्री वाला ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा, लीफ इज टू द ट्री। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। यहाँ पर जो लगाया गया इनकोरेक्ट मार्क किया गया यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो लीफ इज टू द ट्री ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। तो ये एनालिटिकल का फाइव नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, लिबर्टी इज टू बुक, लिबर्टी इज बुक लाइब्रेरी, बेसिकली लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमारी बुक्स होती हैं एंड बुक इज टू द पेज, बुक में बेसिकली पेज होते हैं और लाइब्रेरी में हमारे पास जो है वो बुक्स होती हैं, और इसी तरह जो हमारे पास बुक्स के अंदर पेज होते हैं लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट, जैसे यहाँ पे जो मार्क किया गया है वो करेक्ट मार्क किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो गाइज ये हमारा इस पार्ट नंबर वन था ये वीडियो का। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।